वर्षु का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। वर्षु रेडी हो चुके हैं, कैसे लग रहे हैं आप सबको बताइएगा। और वो लड़का सो रहा है, लड़का उठो, अभी सब मैसी मैसी है, सब मुझे साफ सफाई करनी है। कोई है? पापा होंगे। वाह, ये तो गिफ्ट मॉर्निंग मॉर्निंग में। ये तो बहुत अच्छा है, वाशु को यही चाहिए था और इतने देर से पूछ रहा था, पापा लाए मेरे लिए, पापा लाए मेरे लिए। पहना दीजिए। इतने दिन से वाशु पूछ रहा था, पापा मेरे लिए लाए, पापा मेरे लिए लाए। सब सेट किए इसका? ऑल सेट। वेरी गुड। ऐसा क्या? कैसा लग रहा है मेरा लाल? लाल पीला मेरा? लाल हरा हो गया है। लास्ट वाले में लगाए हैं? नहीं तो लास्ट में और लगाइए। ठीक है, इसको ऑन करो वासु। ऑन करो। ये ऑन हो गया। टाइम सही नहीं है ना बाबू? टाइम सही कर दो तो तुम। हगी हगी कर लिया भाई। हगी 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 बाबू सही करो, उसको बहुत सही करो, तुरंत जल्दी से, लेट हो रहा है। वॉच से वो मोबाइल से तो नहीं कनेक्ट करना पड़ेगा? मोबाइल से कनेक्ट होता है, मोबाइल से ही होता है। जल्दी से करो बाबू, जल्दी से करो बाबू, जल्दी से करो, टाइमिंग है, टाइम एग्जैक्ट हो गया स्कूल निकलने का। कोई बात नहीं यार, आज बर्थडे है, टीचर लोग। मैं नहीं चाहती ना डांट सुने, इतना नहीं कोई समझता यार, तुम लेट हो, मैं नहीं चाहती लेट हो। हमें क्यों ही पेरे पट्टू को डांटे, और खासकर बर्थडे के दिन, आज तो स्पेशल डे है। अच्छा आप भी कर रहे हैं। नजर ना लगे हमारे पतुआ को, नजर ना लगे हमारे पतुआ को। बस ये था कि पिछले बर्थडे में थोड़ा गोलू मुलू था, इस बर्थडे में थोड़ा सा पतलू पतलू हो गया है। और काफ़ी लोग बोल रहे थे वाशु की हेल्थ बहुत डाउन हो रही है, आप ध्यान दीजिए। तो मैं ध्यान प्रॉपर दे रही हूँ। मैंने दो रीज़न बताया था, या तो वाशु की हाइट बढ़ रही है इस वजह से इसका हेल्थ डाउन हो रहा है, या फिर जो वाशु को प्रॉब्लम हो रही थी उसका मेडिसिन चल रहा था, इस वजह से हो रहा है। बट मैं घर जा रही हूँ तो वाशु को वहाँ पर अच्छे डॉक्टर से दिखाऊँगी। अब इसका अल्ट्रासाउंड भी तो करवाना है। मामा जी जल्दी सेट कीजिए मामा जी। वो इंस्टॉल होने में टाइम लगाता है। शकुनी मामा। इंस्टॉल होने में टाइम लगाता है। असली में तो कंस मामा। कंस मामा, सॉरी मैं भूल गई थी। कंस मामा जल्दी से, जल्दी से कंस मामा। कंस मामा ये पहले नहीं कर पा रहे थे टाइम सेट, बस चार्ज वगैरह करके रख दिया था। ओहो, टाइम भी सेट कर देना चाहिए था। तो वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली? हो गया, बस कंप्लीट हो गया। हाँ ठीक है, चेक कर लो। वाशु को स्कूल से छोड़ करके आ गए हम, और अभी जा रहे हैं हम लोग, सब मिल करके ही काम करेंगे, घर के काम। बहुत सारी चीज़ें कल आई थी तो वो सब सेट करना है, बाकी और इम्पोर्टेंट था, याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या। तो हाँ, कुछ बॉक्सेस थे वो सही से रखने थे। तो अभी वाशु का जो वॉच है ना, वो स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब सही उसका टाइम सही नहीं हुआ, फिर लेट हो रहा था। मैंने कहा अभी जाओ, इस तरीके से कोई पूछेगा तो बता देना कि भी सेट नहीं हो पाया है, अब जब वापस वो स्कूल से आएगा तो फिर सेट करेंगे। तो चलिए अब काम हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप सभी से मिलती हूँ। रूम हो रहा है क्लीन, ये सब भी मैंने क्लीन कर दिया है, वो सब भी कर दिया, अभी बस सेट करना है, वो भी क्लीन कर दिया है। और मैं जा रही हूँ अभी न्यू बेडशीट लगाने के लिए, तो लगा लेते हैं पहले। ये लग चुका है मेरा बेडशीट, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, आप लोग बताइएगा। न्यू न्यू, वाओ, कैसा लग रहा है बाबू? बहुत बढ़िया। ये किसने रखा, ये क्या है? ये खराब हो गया, इसका इलास्टिक खराब हो गया है। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्या बात होती है, मैंने भी साफ किया है और आप गंदा कर रहे हैं। अरे बाबू कर दे रहा था। नहीं, नहीं आपसे साफ सफाई जीजू आप करेंगे, गलती किसने की है? आपने, तुमने नहीं, आपने फोड़ा किसने बोलो, गलती आपकी है तो आप ही। टाइम देखिए अभी क्या हो रहा है, 11 o'clock होने जा रहे हैं और हम जा रहे हैं वाशु के लिए एक और सरप्राइज लेने। वाशु बहुत दिनों से उसका मन था, लेकिन हम नहीं ले रहे थे उसकी स्टडी की वजह से, लेकिन होना ज़रूरी है घर में। इनका भी मन था बहुत दिन से, जब सुने वाशु ऐसे कह रहा था तो बोले फिर देर किस बात की, चलो जल्दी से लेके आते हैं। तो बस अब हम जा रहे हैं,
आप सभी वीडियो में बने रहिए। कितना अच्छा और बड़ा टीवी है ये वाला, बहुत बड़ा है, कितना अच्छा आ रहा है इसमें, और जैसे लग रहा है हम ही लोग इसमें चले गए हैं। इधर बहुत तेज है इसलिए मुझे इस तरीके से पूरा पैक होके आना पड़ा है। ये देखिए ये वाली टीवी कितने की है, 75 इंच का है। हाँ 75 इंच का है यही टीवी, हम आने वाले टाइम मिलेंगे, अभी आज नहीं। यही टीवी आपका गिफ्ट होगा। अच्छा मेरा गिफ्ट होगा, पहले से आपको बता दिया जाएगा। महंगा है यार, नियर अबाउट 2 लाख के करीब है। तो क्या हुआ है? चलिए देखेंगे जैसा भी हो, इतना मैं टीवी देखती ही गाँव कभी कदार के लिए ऐसे कोई। हाँ मूवी वगैरह देखने के लिए मैं, यहाँ पे कैमरा भी है, वीडियो कॉलिंग बहुत महंगा पड़ गया दोस्तों। महंगा सस्ता क्या है, जिस पे तुम उंगली रख दो वो तुम्हारा हो जाएगा। लो मैं हो गया तुम्हारा। बहुत महंगा पड़ गया हाशु का गिफ्ट, ने इतना वो नहीं सोचा था क्योंकि अभी ऊपर घर बन रहा है तो हमने इतना महंगा नहीं सोचा था, लेकिन महंगा पड़ गया। अब वाशु आएगा घर पे देखेगा। अभी और सरप्राइज है, रुके रहिएगा। यहाँ से निकल रहे हैं, धूप बहुत तेज है, हमने ले लिया जो हमें लेना था। घर चल के आपको दिखाती हूँ और वाशु का रिएक्शन लेते हैं, ठीक है। वाशु तो अभी स्कूल गया हुआ है, स्कूल से 2 o'clock आएगा, अभी मुझे वाशु के स्कूल भी जाना है। हम पहुँच गए दोस्तों, ये सरप्राइज। महंगा होगा ना ये, अब महंगा तो है। चलो अंदर करो, लेने तो गए थे छोटा तुम। हाँ लेने गए थे क्या, और लेके आए क्या, कैसा लग रहा है बाबू? काफी अच्छा लग रहा है, वो तो जो पैसा दिया है वो जाने का कैसा अच्छा। सही बात है। ये हमारा देखिए ये साउंड सिस्टम है, होम थिएटर ही है पूरा ना, होम थिएटर है। अब वाशु आएगा एकदम सरप्राइज हो जाएगा, वाह काफी बड़े में है पूरा, 5 इसमें है। और इसका क्या नाम है? नहीं सोनी, उसके आगे कुछ था, सोनी एस कहाँ है ये, हाँ S40R ये ही हमने लिया है। प्राइस आप सबको पता चल ही जाएगा, वैसे ही मैं आपको बता दे रही हूँ 26,000 का है ये। इतना महंगा लेने की क्या जरूरत थी? Just because of you, हालत हमारी देखिए, देख सकते हैं अभी आप सभी क्या हुई है, हम बस भागत। अच्छा ये अक्सर ही होता है मेरे साथ कि जिस दिन, हाँ ये अक्सर ही होता है मेरे साथ जिस दिन वाशु का बर्थडे रहता है उस दिन मुझे इतना भाग दौड़ करना पड़ता है कि मैं ऐसे ही थक जाती हूँ। अभी पूरा साफ सफाई किया, पूरा एकदम अच्छे से, इन लोगों ने भी हेल्प करवाया मेरा, इन दोनों लोगों ने, बाबू ने भी और इन्होंने भी पूरा रूम वगैरह सब कुछ साफ किया। और इन्होंने तो बोला था बाहर से खाना मंगाने को, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं अपने हाथ से बनाऊंगी तब मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और वैसे भी इन लॉज भी आ रहे हैं तो फिर अपने हाथ से ही बनाना चाहिए, बाहर से नहीं। और मेरी तबीयत को देखते हुए इन्होंने मना किया था एकदम स्ट्रिक्टली, लेकिन मैंने, मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा नहीं मैं खुद से ही बनाऊंगी। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ, हाँ मैंने नहाया नहीं अभी फिलहाल, मैं जा रही हूँ नहाने, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, काम ही करने में टाइम बीत गया मेरा, तो नहा करके मिलती हूँ। अभी मुझे केक लेने जाना है, साथ में ही हम जाएंगे क्योंकि वाशु के स्कूल भी जाना है, स्कूल में भी उसका केक कट करती हूँ मैं हमेशा ही ना, तो मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो केक आ रहा है, केक अच्छा देखिए सरप्राइज केक भी आ गया। हैप्पी बर्थडे वाशु,
ये हैप्पी बर्थडे वाशु फ्रॉम जतिन शीतल व्लॉग्स। हाँ ये शीतल है मेरी फ्रेंड, इनका चैनल इसी नेम से है और इन्होंने ही वाशु के लिए गिफ्ट भेजा। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत अच्छी है, बहुत हार्ड वर्किंग लेडी है। बस यही है ना कि चैनल उनका नहीं चल रहा, जिसका मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो प्लीज़ आपसे भी उनके चैनल पे जाके देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं। मैं कई बार मेंशन कर चुकी हूँ, लिख बनाती हूँ। उनके हस्बैंड जो है एक्टर हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में उनका शूट चल रहा है। उनके हस्बैंड को आप सबने देखा भी होगा काफ़ी सारे, उसमें जो सावधान इंडिया और भी बहुत सारे सीरियल्स वगैरह में आपने देखा होगा। तो चली जाइए, ठीक है। इतना लेट हो गया, आधे घंटे पहले टीचर ने बोला था, 15 मिनट बचा हुआ है। लेट पे लेट से होता चला जाता है। जल्दी चलो, भाई जा रहा है मेरे साथ है केक लेने के लिए, केक की शॉप पे। यही वाला लिया है मैंने। ओ नो, चलो चलो बाबू जल्दी चलो। नहीं नहीं, हम आ गए हैं स्कूल से, उसका बैग ले लेना है, उसमें नहीं है ना कुछ। अच्छा स्टॉल है वाशु के लिए, एक बिग सरप्राइज। हाँ चलो देख लो, पापा हैं इसीलिए पापा नहीं गया है। हाँ मामा आज बैग उठाएंगे। अरे रुको भाई, हम आप यहीं पे डरा दी, वाशु का रिएक्शन लेना है मुझे। क्या है, क्या है ये? टीवी स्पीक पे लग गया। हाँ कैसे लग रहा है ये? और अच्छा लग रहा है। यही वाला बोल रहे थे ना, ये पूरा होम थिएटर है, जब चलेगा ना फिर देखना कैसे चलेगा। मेरे पापा सबसे अच्छे, उनको देखो। टीथ में पेन हो रहा है? टीथ भी निकलवाना है। टीथ भी नहीं निकलवाना है, अभी चलेगा तो फिर देखेंगे कैसा लग रहा है। मैं सिर्फ वीडियो बनाते चले जा रही हूँ और मुझे पता नहीं है कि कितने मिनट की वीडियो बनी है। थू नजर ना लगी मेरे बच्चों को, थू बार बार मेरी ही नजर जा रही है इसकी। कैसे रहा वाशु स्कूल? इधर तो देखो, हाँ वाशु का मेन फ्रेंड जो है वो नहीं आया था। और कैसा रहा वाशु स्कूल? अच्छा था, बहुत अच्छा। और गिफ्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा। अभी एक और सरप्राइज है। कहाँ? वो नाइट में मिलेगा, पता है। केक, केक तो है ही है, केक तो आएगा ही आएगा। मुझे ये भी पता कि केक कौन सा है। नहीं वो वाला नहीं, अलग केक है। मुझे डोरेमोन वाला चाहिए। डोरेमोन तो नहीं मिला, कुछ और मिला। फर्स्ट वाशु का सरप्राइज ये, सेकंड ये। अच्छा जिस पे मैंने पॉट रखने के लिए लिया था, देखो कितने अच्छे से उस पे रख दिए हैं। और छोटा वाला कहाँ गया? अच्छा उसी पे सही से रख दिए ऊपर। जब हम लोग अपने फ्लैट में जाएंगे तो जब पूरा यूनिट बनेगा तो फिर ये सेट होगा, लेकिन अभी फिलहाल इसको जो मैंने पॉट लेने के लिए रखा था उस पे सेट किए हैं। ठीक है, गिरेगा नहीं, पॉट हमारा वहीं पे है अभी। चलिए मिलती हूँ मैं, अभी खाना खा लूँ, भूख लगी है बहुत तेज़ से, फिर उसके बाद खाना पीना में लगना है। ठीक है, साउंड तो लग गया है और इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे लोग, लेकिन कल आएंगे क्योंकि आज संडे है। और हमने सोचा, मतलब मैंने नहीं, यही सेट कर रहे हैं अपना, लेकिन अभी फाइनल वायर लगा है, बहुत टाइम लगा इसको सेट करने में सारा। मैं आप सबको भी दिखाऊँगी, चल गया तो साउंड भी सुनाऊँगी, चल ही जाएगा। अब मैंने कहा कि आप भेज दीजिएगा कल ही, अगर आज हम सेट कर देते हैं तो भी आप भेज दीजिएगा कि वो चेक कर लेंगे भैया सही से है या नहीं, बेस वगैरह ये सब हो जाएगा ना। चल गया। अभी मैंने इसका ड्रेस, मतलब इसको नहलाया है, मॉर्निंग में नहीं नहाया था, फिर अभी चेंज होगा रेडी होने के लिए थोड़ी देर बाद, नहीं तो मुझे खाना भी बनाना है। एकदम लग रहा है वाशु थिएटर में हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि होम थिएटर ये है, हम लोग साउंड कर रहे हैं, होम थिएटर है। कौन सा? हाँ धम धम एकदम से हो रहा है एकदम। इसमें पूरा 5 है, 1 2 3 4 5, और इसी पे अभी रखा हुआ है, देखिए पूरा सेट हुआ है। बहुत टाइम लगा इसको करने में, चल रहा है।
वीडियो मैं दूसरी बार एडिट कर रही हूँ, कॉपीराइट क्लेम आ गया था इसकी वजह से मुझे यहाँ पे बहुत एडिट करना पड़ा। कैसा लगा आप सभी को साउंड? और साउंड लगने की खुशी में हमने डांस भी कर लिया थोड़ा सा। मुझे वैसे इतना ज़्यादा करना नहीं था, मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, स्पाइनल आई थिंक अब MRI होगा मेरा, यही प्रॉब्लम मुझे हुई है इतने दिन से, तो वैसे को लेकर के परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा कर लिया। बर्थडे था तो थोड़ा बहुत तो कुछ बनता ही है। ब्रेक तो बनता है। मेरा रोबोट डांस कैसा लगा? बहुत ही अच्छा था। झूठ? सच में नहीं, झूठ। मैंने तो ब्रेक डांस ही नहीं देखा था। पहली बार मेरा ब्रेक डांस देखा है ना। नॉर्मली तो ऐसे दो तीन बार कुछ पढ़ा है तो मैंने डांस किया है। रोबोटिक डांस चला रहा है क्या? तो हम तो टीवी कनेक्ट कर लेते हैं। सही में दोस्तों लग गया हमारा साउंड। कैसा लगा आप सभी को आवाज? एकदम जैसे लग रहा ना कि थिएटर में पहुंच गए हम लोग, एकदम धम धम करके आवाज आ रहा है। बाबू कह रहा है ये पैसा लगा है तो अच्छा आएगा ही आएगा। हम लेने वाले थे एक्चुअली कोई और, वो थोड़ा सा बजट में था, लेकिन पता नहीं जब हम इसके पास पहुंचे, सोनी का है ये, तो लगा कि नहीं यही लेना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा है। लड़का देखिए क्या कर रहा है, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? क्ले क्या बनाया? बस उसमें पानी स्टोर करता है फिर इसी से नहाता है ना? क्या क्या इससे बनाया है? ये सब शेप में बनाया है, बटरफ्लाई है, ये क्या है पता नहीं क्या है, ये नहीं पता, ये डक है, और ये क्या है ये तो नहीं पता चल पा रहा है। अरे ह्यूमन है, जंप कर रहा है। और हमारी मस्ती चल ही रही थी। और आप सबको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में आप सब बताएंगे ही बताएंगे। हाँ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट आप चाहे तो इसको 2 पार्ट्स में देख सकते हैं। थोड़ा आज देख लीजिएगा, थोड़ा कल देख लीजिएगा, या फिर इवनिंग में देख लीजिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द मैं वीडियो एडिट करके अपलोड कर दूँ, क्योंकि वाशु का बर्थडे जो था वो 27th को था। अब 2 दिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने एडिट वगैरह नहीं किया, ना ही कोई मेरी वीडियो गई। और उसके बाद यहाँ पे आ गए डेकोरेशन वाले भैया, तो यहाँ पे कर रहे हैं डेकोरेशन। सॉरी मैं थोड़ा देर से वो कर रही हूँ, और सीरियसली कुछ ऐसा हो गया ना कि जिसकी वजह से मैं कुछ भी अपडेट नहीं डाल पाई कि वाशु का बर्थडे किस डे है। स्टेटस तो मैंने व्हाट्सएप पे लगाया था, बाकी मैं YT पे या फिर इंस्टा पे कुछ भी नहीं कर पाई। बट नेक्स्ट टाइम पक्का मैं सबको पहले ही बोल दूँगी। और यहाँ पे भैया से मैं बोल रही थी कि किस तरीके से करना है, हालांकि डिज़ाइन हमने पहले ही चूज़ कर लिया था, बस मैं थोड़ा सा वो कर रही थी कि भैया बलून इतना कम मत लगाइएगा, थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाइएगा। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। मैं साथ साथ में ये सब भी देख रही थी, हस्बैंड भी देख रहे थे। और फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ एक साइड में मटर पनीर और आलू गोभी की सब्जी। मैंने खाते हुए या फिर खाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया, पर जिसने भी खाया सबने बहुत तारीफ की मेरे खाने की, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। क्या लजीज और कितना टेस्टी दिख रहा है। जो भी बनाए जीजा जी ने पनीर, जी नहीं बनाया तो मैं नहीं, नहीं नहीं जी नहीं जी जीजा जी ने बनाया। जी जीजा जीजा जी के क्रीम डाल लेती थोड़ा सा अच्छा लगता है। मटर पनीर को कौन डालता है? मसाला चाहिए था मेरे घर का, वो नहीं है बस। चलो ठीक है, बाबू आ रहा था इसको बिठा नहीं आया, किससे मंगवाना? क्या अपने यहाँ का मसाला बिना उसको डाले मेरी सब्जी में? ऐसा नहीं है, मम्मी घर की तुम्हारे लिए रखी थी। हम बोले कि मम्मी
सेशन जो है वो हो चुका है। कैसा लग रहा है बताइएगा आप सब मुझे। फिर उसके बाद मैं आगे किचन में, दीदी जो है काम करती है मेरे यहाँ, वो वेजिटेबल वगैरह कट करके गई थी और मैं सोच रही थी कुछ और भी बना लूँ। मैं बार बार बोल रही थी लेकिन सब लोग मना कर दिए कि नहीं ज़्यादा वो लोड मत लो, बैक का प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस दिन तो पूरे दिन ही मैं खड़ी थी। मटर पनीर आलू गोभी की सब्जी बन गई है, बस थोड़ी देर और रखूँगी आलू गोभी की सब्जी, और आटा भी मैंने गूंथ दिया है। अब जा रही हूँ, थोड़ा सा रेडी होंगी, मतलब रेडी अभी तुरंत तो नहीं होंगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर केक भी लाने जाना सोच रही हूँ, केक ला दूँ उसके बाद फिर रेडी होंगी, और लास्ट में पुलाव और पूड़ी बन जाएगा। उस टाइम जो दीदी है काम करने वाली वो आएंगी और एक लोग और आएंगी तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, और मेरी भी दीदी आएगी, मतलब इनकी दीदी मेरी ननद, तो बोलिए परेशान मत होना, उनको पता है ना कि मेरी तबीयत मतलब बैक पेन का, मुझे उनको पता है, तो बोली थी कि बिल्कुल परेशान मत होना, मैं जब आऊँगी तो मैं सब करवा दूँगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, आएंगे तो हम बात करेंगे ना आराम से, इसलिए मैंने जल्दी से पहले ही सारा कर लिया है। कम से कम 15 से 20 लोग हैं और हो जाएगा, मैंने कर लिया, बना लिया इतने लोगों का सरप्राइज़ वाशु के लिए। वाशु के दादाजी आ गए, वाशु से आ रहे भी नीचे, और मैंने फ़िलहाल के लिए वाशु का वही ड्रेस पहना दिया है क्योंकि अभी केक कट करने में टाइम है, तो मैंने कहा यही पहन लो। तब तक क्या हुआ, अरे शूज़ अंदर पहनोगे, अभी अंदर आएंगे, अभी अंदर वो आएंगे। हाँ तो वाशु को पता नहीं था, मैंने पहले ही बता, इन्होंने बोला था कि बताना मत वाशु के लिए सरप्राइज है, लेकिन वाशु मैंने एक्साइटमेंट में बोल दिया कि दादा भी आ रहे हैं, बुआ भी आ रही हैं, ये भी नहीं बोलना चाहिए था। ओहो मैं ना सब कुछ वो कर देती हूँ, ठीक है, लेकिन ये सब निकल जाएगा, वो तो स्लो पे कर दो। हाँ स्लो पे ही करना, टू पे कब करना, टू पे ही करना। बुआ भी आ रही है, हाँ फैमिली आ रही है, पर वो लोग वीडियो में नहीं आते हैं, और ना ही लेना भी वीडियो में सही है, मुझे नहीं लगता कि अभी लेना सही, बाद में लेंगे जब सबकी मर्ज़ी हो जाएगी। अभी तो सब वाशु वेट करते हुए मैं तो छिप जाऊँगी। फाइनली देखिए वाशु के दादाजी आ गए, फर्स्ट टाइम हमारे घर पे दादाजी आए हैं वाशु के, और वाशु बहुत ज़्यादा खुश था और ये भी बहुत ज़्यादा खुश थे, आप फेस पे स्माइल देख सकते हैं, सच में बहुत अच्छा लगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी। और ये बर्थडे वाशु का बेस्ट बर्थडे था, वाशु के दादाजी आए थे जल्दी ताकि वो जल्दी चले जाएँ, लेकिन वाशु ने जाने नहीं दिया, बोला कि नहीं केक कट हो जाएगा उसके बाद ही जाइएगा। और यहाँ पर देखिए मैं, क्योंकि मैं भी काम ही कर रही थी तो मैं चेंज नहीं कर पाई थी, तो मैं इसी तरीके से आकर के आशीर्वाद ले, और सच में मुझे इतना अजीब लग रहा था ना, मैं सोच रही थी मैं कहाँ जाऊँ, किस कोने में जाऊँ, मुझे पता नहीं, मैं सोच रही थी मैं सही से पैर छू रही हूँ ना, मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, मैं कैसे आप सबको एक्सप्लेन करूँ, लेकिन मुझे पता है आप सभी समझ जाएंगे। उसके बाद फिर मैं तुरंत निकल गई केक लेने के लिए क्योंकि पापा आए थे, तो फिर ये इनका घर पर रहना ज़रूरी था, बोले कि मैं वाशु के साथ हूँ तुम बाबू के साथ चली जाओ, यहाँ पर भी कोई मंत्री वगैरह आए हुए थे तो इस वजह से यहाँ पर रुकना पड़ा था। केक लेने, हमारा केक तो रेडी है सुबह से ही, हम ही नहीं रेडी थे, नहीं आ पा रहे थे, अभी को जस्ट आए हैं हम कैब, और इनके पास अच्छे अच्छे, मुझे टेस्ट अच्छा लगता है। पापा और बाकी सारे लोग आ गए, मैं बिना रेडी हुए जल्दी से भागी हूँ उसको लेकर के, मैंने कहा चलो पहले जल्दी से, नहीं ब्लैक तो नहीं, ब्लैक अवॉइड करना है, वो ग्रीन वाला लो वाला देखो, हाँ ये वाला अच्छे से ले, ये है यहाँ से हमने लिया 165, हो गया हमारा केक, अब हम जल्दी से पहुँचते हैं घर। ये माता जी कितनी सुंदर लग रही है ना, देखिए मैंने देखा तो मैंने कहा आप सबको दिखा दूँ, और एक मंदिर ये शनि भगवान का, बहुत ही प्यारा, काफ़ी लोग जानते होंगे इस जगह को। इधर भी हैं लोग, दीदी लोग हैं, और ये है वाशु का केक, डोरेमोन 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 मुझे केक खिला दो। कुछ
कुछ ना कुछ मिस्टेक मेरे से हो ही जाती है। सब कुछ किया, कैप लेके आई थी, कैप लगाना भूल गई। मैंने सबको नहीं दिखाया, कोशिश किया कि मैं जितना कट कर पाऊँ करूँ, और इस चक्कर में काफ़ी सारे क्लिप्स भी कट हो गए। बट थोड़ा सा वो लगता है ना, जब तक परमिशन ना हो, जब तक कोई कंफर्टेबल ना हो, तब तक नहीं दिखाना चाहिए। देखिए मेरा मैटर थोड़ा सा सेंसिटिव है, आप सभी समझ सकते हैं, तो सारे लोगों को मैंने नहीं दिखाया, लेकिन बाबा एकदम वाशु के बगल में ही थे, तो जाहिर सी बात है इनका तो आना ही आना था। और यहाँ पे मैं भी हूँ, मैं ही हूँ, देख सकते हैं आप सभी, मैं हूँ, ये भगवान ये मैं हूँ। मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा था, मैं सोच रही थी मैं ही हूँ या फिर कोई और है। आज तक वाशु का हर साल मैंने ही केक कट कराया है, टीका किया है, सब कुछ मैंने किया है, तो इस बार मैं चाहती थी कि वाशु के दादा और इनके पापा करें। बाकी दादी तो अभी नहीं आई थी, अब सबको पता है कि वो बोलती हैं कि जब हो जाएगा उसके बाद जाएंगे, तो कोई बात नहीं, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबकी थिंकिंग अलग होती है ना। और इस बार एक नई चीज़ और भी हुई, पता है वाशु सबको, मतलब दादा के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अटैच था, पूरा टाइम उनके साथ बैठा हुआ था, अपनी वॉच दिखा रहा था कि पापा ने मुझे मॉर्निंग में दिया, और पापा को भी केक खिलाना, सबको मतलब खिलाया, लेकिन मुझे मेरा बेटा भूल गया बर्थडे के दिन, मैंने केक नहीं खाया। क्या हुआ ना कि केक पापा को खिलाया, फिर इनको खिलाया, फिर मुझे खिलाने आ रहा था, तो पापा यहाँ पे मैंने म्यूट कर दिया है, पापा को मतलब ये लोग सारे लोग करने लगे, नहीं 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 इस तरीके से, तो वो भूल गया इस चक्कर में। तो पूरी फैमिली के साथ है, और मैं चाहती थी कि वाशु पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करे, हम तो दिन भर सेलिब्रेट ही कर रहे थे, और हर साल तो मैं ही कर रही थी ना, तो सच में बहुत अच्छा लगा। इस बार का बर्थडे मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। और हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ लोग जज करने लगते हैं कि आपकी मदर इन लॉ नहीं आई, समथिंग समथिंग ये सब चीज़ें, तो प्लीज़ इस तरीके से ना करें। देखिए हम आज की जनरेशन के हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग इन सारी चीज़ों को मानते हैं, तो अगर कोई मानता है तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसके डिसीजन की। और सच बताऊँ, मेरी मदर इन लॉ जो है ना, मैं तो मदर इन लॉ बोलती ही नहीं हूँ, मैं तो मम्मी ही बोलती हूँ, मम्मी जी भी नहीं बोलती, मम्मी ही बोलती हूँ, क्योंकि मम्मी जी बोलने पे वो अपनेपन वाली फीलिंग मुझे नहीं मिलती है। मैं इनसे बोलती हूँ कि जैसे मेरी मम्मी है वैसे इनकी मम्मी है, मम्मी मुझे सबसे ज़्यादा मानती हैं, सबसे ज़्यादा, पता नहीं क्या भगवान की दया से, लेकिन जब वो मेरे से बात की ना, तो उनको भी ये चीज़ फील हुआ होगा अपनापन, कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, हमेशा ही, मतलब मेरे से तो बात करती हैं लेकिन इनसे भी पूछती रहती हैं कि तबीयत कैसी है उसकी, खा रही है, ध्यान दे, बहुत सारा केयर मेरा करती हैं दूर से ही। और बहुत जल्द ऐसा भी टाइम आएगा जब मैं उनके पास रहूँगी, तो फिर आप सभी को मिलवाऊँगी, अगर वो कंफर्टेबल होगी ना, वो होंगी, मुझे पता है ज़रूर होंगी, तो आएंगी वीडियो में, तो आप सब खुद ही जब देखेंगे ना उनको, तो फिर वो बोलेंगे कितनी अच्छी हैं, इतनी सीधी हैं, तो मुझे ये वाला फीलिंग आता है ना कि जैसे मेरी मम्मी है वैसे वो भी है। मैं कभी भी मतलब जब से मैंने उनसे बात करना स्टार्ट किया है, मुझे ये फील हुआ ही नहीं कि वो मेरी मदर इन लॉ हैं, तो वो सच में मुझे बहुत ज़्यादा मानती हैं, बहुत ज़्यादा ही, वाशु को भी मानती हैं जाहिर सी बात है, लेकिन मैं बहू हूँ ना, तो प्यार उनका बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी हम, मैं इस चीज़ को समझ रही हूँ कि वो सोचती हैं कि शादी हो जाए उसके बाद फिर हम जाएं, तो ऐसा कुछ रहा बर्थडे। कुछ लोगों को मैंने दिखाया भी है, बट मैं बता नहीं रही हूँ कि कौन कौन है, बस थोड़ा बहुत मैंने शूट कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। मैं एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत लास्ट में जा जा के ना, एकदम से मैं इतना टायर्ड हो गई थी कि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई, तो मुझे इसी तरीके से वीडियो का एंड करना पड़ा। कैसी लगी वीडियो, क्या बोलूँ, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन मैंने बोला ना आप सभी दो बार में देख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी लोग तो ऐसे हैं जो बोलते हैं मैंने वेट ही नहीं किया, मैंने तो पूरा ही वीडियो देख लिया, तो जो लोग ऐसा बोलते हैं उनका दिल से थैंक यू। वाशु के कुछ फ्रेंड्स भी थे आसपास के, और आंटी जी भी थी बगल में जो रहती हैं, अंकल जी जो हैं। तो अब चलते हैं, वीडियो का एंड करते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और देखिए लास्ट में जब मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई थी, तो वैसे कैमरा उठा के और इनके साथ मैंने सोचा कि थोड़ा सा शूट करूं, लेकिन नहीं मैंने किया। आप सबको काफ़ी दिन हो गए थे इनको देखे, तो देख लीजिए आप सभी और मिल लीजिए। अभी सब लोग जा चुके हैं, और बाकी बातें मैं कल करूंगी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, कल कर दूँगी।